हाँ दोस्तों, मैं आपका राहुल, मैं आपको राहुल हेल्थ एंड फिटनेस में आपका स्वागत करता हूँ। मैं अभी आपको पिछले 9 वीडियोस में मसल ट्रेनिंग के बारे में और जो हमारा रेक्टस एब्डोमिनिस जिसको हम बोलते हैं, ये जो एब मसल्स हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया है कि एक्सरसाइज कौन से ज़रूरत है करने के लिए। लेकिन अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है ऑब्लिक्स। और ऑब्लिक्स एक सुपीरियर मसल है हमारे जो एब्डोमिन एरिया में है, जो ज़्यादातर लोगों को ऑब्लिक्स के बारे में नहीं पता है, ना उसको वो वर्कआउट करते हैं। और ऑब्लिक्स अगर आप वर्कआउट करोगे तभी जो आपका ये जो एब मसल है उसका और ऑब्लिक्स का सेपरेशन दिखेगा और एक ब्यूटीफुलनेस जो आती है जो आपका कोर एरिया में वो आता है और अच्छा दिखता है। और ऑब्लिक्स में दो तरीके के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्लिक्स। और एक्सटर्नल ऑब्लिक्स जो होते हैं वो इधर से लेके इधर को ट्रैवल करते हैं, जो आप ये देख सकते हो इसको एक्सटर्नल ऑब्लिक्स बोलते हैं, जो ये आप ऊपर देख सकते हो ये ऊपर वाले लेंस को। और जो इंटरनल हैं वो इस रिब से लेके नीचे को ट्रैवल करते हैं अंदर, और ये एक्सटर्नल ऑब्लिक्स होते हैं जो इधर से लेके इधर को ट्रैवल करते हैं। और इसको मैंने बोला था रेक्टस एब्डोमिनिस, जो एब मसल्स होते हैं ये सभी रेक्टस एब्डोमिनिस हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट है हमारा इसको बोलते हैं अपोन्यूरोसिस। तो ये आपका जो एब फैमिली है इसको आप एब फैमिली करके हम बुलाते हैं, और इस चीज़ के हर एक मसल को हमें ट्रेन करना होता है। तो आज मैं आपको ऑब्लिक्स का एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्लिक्स का जो वर्कआउट्स हैं उसके 3 से 4 वेरिएशंस मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो बेसिक्स हैं, और इसको आप शुरू करना है। आपको हर एक मसल को ट्रेन करना कोर में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको एब्स का जो दूसरा हिस्सा जो लोगों को नहीं पता है उस हिस्से के बारे में आपको एक्सरसाइजेस दिखाऊंगा जो आपको करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। इसमें तो सबसे पहले आपको ये जो पैर है ना ये शोल्डर लेवल पे रखना है, ठीक है। और उसके बाद जो डंबल है आप इसमें लाइट वेट का इस्तेमाल करना है, हेवी वेट का नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो तो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, जिसका बॉडी का जो BMI है वो 36-38 है, तो वो थोड़ा हेवी उठा ले ताकि वो मसल पे इम्पैक्ट करे, ओके। सो अभी मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ जो एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्लिक्स की मैंने बात की थी, जो ये चीज़ होता है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे डंबल उठा के मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आपका पोजीशन होगा और इसको डंबल को ऐसे पकड़ना है, ठीक है। और बाकी मैं आपको प्रॉपरली करके 5 रेप आपको ईच सेट करके दिखाऊंगा। और बिल्कुल ये जो है इसको ऐसे और ये पूरा आप देख सकते हो, फोकस करके दिखाएंगे आपको कि कैसे स्क्वीज कर रहा हूँ मैं ऑब्लिक मसल को, जब इधर भी जा रहा हूँ बैंड और जब इधर जा रहा पूरा बैंड, तो ऐसे पूरा बैंड अब देख सकते हो इसको, इधर भी स्क्वीज हो रहा है ये ऑब्लिक मसल, और इधर जब जाता हूँ तो इधर भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जो इंटरनल मसल है, और इधर एक्सटर्नल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ही इस तरफ करना है सेम पूरा कॉन्ट्रैक्ट और एल्बो बिल्कुल अप। तो ये इस साइड और इस साइड आपको मिनिमम 25-25 इस साइड, मान लो अगर आप ऐसे लगा रहे हो 1, 2, 3 ऐसे करके 25 और इस साइड 1, 2, 3। और मैंने लोगों को देखा उन्होंने ऐसे ऐसे करना है, कमर को नहीं बिल्कुल सीधा, सिर्फ इसको डंबल नीचे और स्क्वीज। अगर आप दो डंबल में कर रहे हो तो फिर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 50 लोग होगे तो एक सेट होगा, नहीं तो दोनों सेट करके एक काउंटिंग दे सकते हैं। तो आपका पहला एक्सरसाइज, अभी इसके बाद मैं आपको दूसरा एक्सरसाइज दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी आपको मैं दूसरा वर्कआउट दिखाने वाला हूँ, जो दूसरा एक्सरसाइज है ऑब्लिक्स के लिए। तो अक्सर आप जिम जब जाते हैं तो पहले ही आपको ट्रेनर स्टिक पकड़ाते हैं, जो मोटे होते हैं जिनको लव हैंडल और आपका जो ये जो पोषण के लिए फैट हटाना है उसके काम करने के लिए स्टिक पकड़ाते हैं। इसमें आपको वेरिएशन शायद आपको पता होगा लेकिन गलत बहुत लोग करते हैं, इसको कैसे करना है, इसका पोजिशन क्या है और इसका इफेक्ट्स क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहेगा। या आप पैर ऐसे रख सकते हो नीचे, पैर आप ऐसे वाइड रख सकते हो, ठीक है।
अब इसमें मैंने इस एंगल में रखे आपको ये जो आपका हाथ है इसको नाई से पकड़ना है, ठीक है, नाई से पकड़ना पूरा इसको ऐसे लेके पूरा जैसे शाम पेड़ में निपटता है जैसा ऐसे आपको हाथ को यहाँ पर रखना। उसके बाद स्ट्रेट चेस्ट ओपन रोटेट करके पूरा आपको स्क्वीज करना है। आप देख सकते हो कि कैसे मेरे कोर का मूवमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसमें देख सकते हो आप। तो इसमें भी सेम दोस्तों, आपको मिनिमम 25 काउंट्स करना है ईच साइड। तो आप इसमें जैसे कि 50 करोगे तो एक सेट होगा, तो आप मैक्सिमम भी कर सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप पेट के लिए, कोर के लिए जितना मैक्सिमम करते हो तो उतना फ़ायदा होगा, लेकिन आप जनरली 25 का काउंट्स बना के आप 3 से 4 सेट लगा सकते हो जिसमें 25 ईच साइड होता है। तो ये था आपका सेकेंड एक्सरसाइज। थर्ड वेरिएशन में आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों अभी आपको मैं तीसरा और कोड दिखाने वाला हूँ, जो पहला मैंने डंबल में दिखाया था, सिंगल एंड डंबल, और उसके बाद स्टिक्का दिखाया था। तो अगेन दोबारा डंबल या तो आप प्लेट में, किसी दोनों में आप कर सकते हो। तो मैं अभी आपको डंबल में दिखाऊंगा। ये भी ट्विस्ट है जो ऑब्लिक्स पे पड़ेगा, ठीक है, ये भी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पे इम्पैक्ट होगा। तो अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। ये भी कम से कम 25 काउंट्स आपको करना है, और काउंटिंग मैंने आपको बताया था। तो देखिए अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। आपको कोर टाइट करके शोल्डर लेवल पे पैर रखना है, ठीक है, उसके बाद ये सीधा करना है, सामने देखना, चेस्ट लेवल पे ऐसे डंबल रखना और ऐसे देखना, ये नहीं करना जब सामने देखते हो। Yes, आप देख सकते हो मेरा ऑब्लिक्स, फोकस करके दिखाएंगे अभी आपको। तो इसमें भी आपको कमर ऐसे ऐसे हिलाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फोकस करना है और इसको कॉन्सेंट्रेट करके, जैसे मैंने सारे वीडियो में बोला है, माइंड और मसल का कनेक्शन होना चाहिए, उसके हिसाब से ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे और आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। तो दोस्तों ये था, आप चाहे प्लेट डंबल यूज़ करके आप अपना थर्ड वेरिएशन पूरा कर सकते हो। तो अभी मैं आपको जो हमारा फोर्थ वेरिएशन है वो करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये अक्सर लोग जैसा प्लैंक्स करते हैं वैसे इसमें साइड प्लैंक्स करना है, तो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, मेरे साथ बने रहिएगा। इसमें एक मैट की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपका जिम बहुत साफ़ है तो मैट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें एक आप ऐसे रख सकते हो और इसको बिल्कुल शोल्डर के सीधे रख के हाथ को ऐसे सपोर्ट लो। अगर आप बिगिनर्स हो, नहीं कर पाओगे, तो आप ऐसे रख सकते हो, ठीक है, इसको ऐसे होल्ड करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, अभी आपको जूम करके दिखाएंगे, ठीक है, हमारे कैमरा मैन को बोलना पड़ता है जूम करो, ठीक है। ये आपका ऑब्लिक्स है, ठीक है, ये है, ठीक है। इसमें आप 30 सेकेंड्स मिनिमम और 60 सेकेंड्स मैक्सिमम यार उसके ऊपर भी रख सकते हो, ऐसे होल्ड करना आपको, या हाथ ऐसे सीधे रख सकते हो, वो आपका कंफर्ट है, इसको ऐसे, ठीक है, अब देख सकते ऐसे इसको होल्ड करना है। नहीं, उसके बाद जब होल्ड करने के बाद 10 बार इसको डाउन, आपको दोबारा आपको फोकस करेंगे इस मसल पे और आपको दिखाएंगे, डाउन जा रहा हूँ मैं, ठीक है, और ऊपर डाउन एंड अप। अगर आपको पैर ऐसा नहीं रखा जा रहा है जैसा मैं रखा हूँ, तो आप पैर ऐसे भी रख सकते हो, इसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही अभी राइट साइड करना है, तो मैं आपको राइट साइड करके दिखाऊंगा। तो सेम शोल्डर के बराबर इसको रखना है, ठीक है, उसके बाद पैर ऐसे और हाथ को ऐसे, अगर नहीं होता है तो मैंने जैसा बताया ऐसे, फिर उसके बाद होल्ड इसको मिनिमम 30, मैक्सिमम जितना मर्जी आप कर सके, या तो 60 सेकेंड्स आप टारगेट रखो, उसके बाद टर्न आप डाउन अप डाउन अप, ऐसे 10 बार। तो ऐसे दोस्तों आपको मतलब जो फोर वेरिएशंस है ये करना है। ऑब्लिक्स को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, जैसे रेक्टस अबडोमिनिस हमारे एब्स हैं, जैसे ये एब्स हैं, ये
रेक्टस एब्डोमिनिस और एपोन्यूरियालिसिस, उसके तरह ये भी हमारा एक हिस्सा है, बहुत ही देख सकते हो एक अच्छा सेपरेशन देता है ये साथ में, और जो ये निकल के आ रहे हैं ये चीज़ आपको एक ब्यूटी देती है कोर में, तो इसको करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ऑब्लिक्स के बारे में आपको जो जानकारी मैंने अभी दिया है, इसके अलावा भी और जानकारी इसका दूंगा, इसका वेरिएशंस दूंगा एडवांस लेवल पे, और आपको मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी, आपके रिजल्ट्स अच्छे तरीके से और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिले। तो आप कुछ अच्छा करोगे जिम जाके या एक्स्ट्रा वर्कआउट करोगे तभी आपके रिजल्ट्स भी एक्स्ट्रा आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आशा रखता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसको प्लीज़ फॉलो करो, आपको रेप्स और सेट सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप मेरे को क्वेश्चन भी पूछ सकते हो किसी भी चीज़ के रिलेटेड, मैं आपको वहाँ पर डायरेक्टली खुद आंसर करूँगा, ठीक है। और मैं आपका राहुल आपका आभार मानता हूँ, हमेशा मेरा आपको आभार रहेगा, क्योंकि आप लोग मेरे को प्यार दे रहे हो और हमेशा देते रहो, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर करो और मेरे साथ बने रहेगा अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।